ए मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। तो इस नाश्ते को जरूर ट्राई करना। सिंपल सा और बहुत ही आसान नाश्ता है। गेहूं के आटे से और कच्चे आलू का ये नाश्ता है फ्रेंड। तो इसे बिना आटा गूंथे आप बिना आलू बॉयल किए हुए बना सकते हो। हरी चटनी के साथ खा सकते हो या सॉस के साथ खा सकते हो। बिना हरी चटनी बिना सॉस के साथ भी खा सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार खाओगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। तो कच्चे आलू से और एक गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बनाना अब शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रमिला IND चेफ में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आलू का बहुत ही अलग तरीके से अलग रेसिपी बनाएंगे। तो ये हमने चार आलू ले लिया है। आलू को छील के अच्छे से साफ कर लिया है और पानी से धो लिया है। तो आलू को अभी कट कर लेते हैं। तो ऐसे एक आलू लेंगे फ्रेंड्स, और आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ऐसे ऐसे ही जितने हमारे पास आलू है ना, सभी को ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे आलू को हम कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार के अंदर जितने आलू को हम कट कर लिए हैं सभी को मिक्सी जार के अंदर डाल लेंगे। तो ऐसे ही इसे डाल के अब ढक्कन लगा लेंगे। अब इसे अच्छे से बारीक हम पीस लेंगे आलू को। तो फ्रेंड, ढक्कन को हटा लेते हैं। देखो, ये मेरा एक आलू का अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो आलू के अंदर अब हम हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक डालेंगे। अदरक को कट करके इसके अंदर ले लेते हैं। पतला पतला अदरक को कट करके इसके अंदर हम डाल लेंगे। साथ में लहसुन भी डाल लेंगे और ढक्कन लगा के ब्लेंडर कर लेंगे सभी को। एक इस तरह से बर्तन लेंगे और जो हमने ये पेस्ट बनाया है सभी को बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन नहीं भी इसके अंदर ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन ही लो। बिना लहसुन का भी ये स्वादिष्ट बन के तैयार होगा नाश्ता। गेहूं का आटा ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे। कटी हुई धनिया लेंगे आप इसके अंदर 1 चम्मच, 1 गरम मसाला, 1 पिंच हींग, आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून ये अजवाइन है। अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रैक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम डाल लेंगे। और यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो फ्रेंड्स। अगर नहीं खाते हो तो इसे हटा भी सकते हो। तो आधा टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला इसके अंदर। स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, आधा टेबल स्पून हल्दी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से पहले जो हमारा आलू का पेस्ट हम बनाए हैं इसके अंदर पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर पानी की और हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम और इसके अंदर ले लेंगे। पहले आलू और गेहूं का आटा जो है और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से मिक्स करना है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम पानी लेंगे। जो मिक्सी जार में हमने आलू को अच्छे से ग्लेंडर किया था ना, उसी मिक्सी जार का हम धो के पानी यूज कर रहे हैं। इसी तरह इसे अच्छे से घोल बना लेना है, इसके अंदर ढोकी ढोका ना रहे। तो ऐसे ही घोल बना लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे एक अच्छा सा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। कुछ ऐसा ही हमें पेस्ट चाहिए था, जैसा हमें चाहिए वैसा बन के तैयार हो गया था। इसे साइड में रख लेते हैं। एक कढ़ाई या एक तवा चढ़ा लेते हैं इसे बनाने के लिए और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ताकि इसे साइड में रख लेते हैं। 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, तो इसे खोल लेते हैं। इसके अंदर 2 पिंच हम खाने वाला सोडा डाल रहे हैं। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़रूर डालना फ्रेंड्स। अगर आप नहीं इसे खाना चाहते हो तो इसे न डाले तब भी चलेगा, पर इसे डालने से थोड़ा हमारा ये जो नाश्ता है ना थोड़ा और सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे से मिला लेंगे इसे। गैस को हम जला लिए हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। और इसके ऊपर एक हमने कढ़ाई रख दिया है। तो आप तवा भी ले सकते हो। कढ़ाई में क्या है, थोड़ा ढकने से आसान रहेगा, ये ढककर पकाना है नाश्ते को। कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबल स्पून तेल डाल रहे हैं। 1 टेबल से
कम ही है ये तेल। एक कलछल जो हमने ये पेस्ट बनाया है गेहूं का आटे और ये आलू का, तो इसे डाल के हम अच्छे से फैला लेंगे। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसी तरह हम गोल आकार दे देंगे इसका फैलाते हुए। ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है, बस इतना ही पतला हमें चाहिए। इस तरह से नाश्ता बनाओगे फ्रेंड्स तो इसे खाते ही रह जाओगे, तो इसे ज़रूर ट्राई करना, बना के कमेंट करके ज़रूर बताना। गैस को मीडियम करके रखेंगे और ढककर इसे हम 2 मिनट तक एक तरफ फैल। ढक्कन को खोल के चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून और तेल डाल लेंगे, ये जो हमारा नाश्ता है। और इसे जब तक ये हल्का ब्राउन ऊपर से नहीं होगा ना, तब तक इसे हम पलटेंगे नहीं। तो बहुत ही ये टेस्टी नाश्ता है, थोड़ा सा और सेक लेते हैं इस नाश्ते को। अब इसे हम पलट लेते हैं, इसी तरह से पलट लेंगे इसे। अब फिर इसे हम ढककर पका लेंगे, तो ऐसे ही कवर करके ही पकाना है इसे। 2 मिनट तक फिर पकाएंगे इसे। ढक्कन को हटा लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखो कितना टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है गेहूं के आटे और कच्चे आलू का ये नाश्ता, तो इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। इसी तरह से और बना लेते हैं। ये हमारा आलू का नाश्ता बनके तैयार हो गया है, बहुत ही ये टेस्टी नाश्ता बना है कच्चे आलू का, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।